हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और नया डिज़ाइन। उसके लिए हमने ये पेस्टिंग ली हुई है। हम आपको बता दें कितनी चौड़ी हमने पेस्टिंग ली है। 8 इंची हमने चौड़ी ली है और 13.5 इंची हमने लंबी पेस्टिंग ली हुई है। इसे हम डबल फोल्ड इस तरीके से करेंगे। ऊपर हमें 2.5 इंची की चौड़ाई देनी है, नीचे भी हम 2.5 इंची की चौड़ाई देंगे। अब हमारा गला है 6 इंची, 6.5 में मार्क लगाना हमने। अब इस मार्क को हम सीधा खींच लेंगे और इसे भी हम सीधा मिला देंगे। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम इसमें पान की शेप का गला काटेंगे। यह हमारा हो गया पान की शेप का गला। अब हम आपको बता दें, हमने नीचे में भी गले की शेप दे देनी है। नीचे में हमने मटके गले की शेप देनी है। ये देखे दोस्तों, मटके गले की शेप देते हुए आप यहाँ पर हल्के से देखें, जैसे जिस तरीके से आपका मटका होता है, मटका आपने देखा ही होगा, उसी टाइप की आपको शेप देनी है। ये शेप देते हुए आप यहाँ पर इसे घुमाते हुए इस तरीके से इसे मार्क लगाएंगे। ये देखे दोस्तों, हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसे काटेंगे। अब हम आपको एक बार दिखा दें, ये हमारे गले की शेप इस तरीके से हो जाएगी। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये गले को इस तरीके से आयरन में चिपका लिया है। अब हमें ये दोनों को मिलाएंगे। इस तरीके से हमें इसे मिलाना है और बीच में हमें खुटका मार देना है। इसमें भी हम खुटका मारेंगे। इस तरीके से हमने इसे में भी खुटका मार दिया है। अब हम इसे खोलेंगे और ध्यान देना, हमें ये उल्टे की तरफ ही हमें गले को बैठाना है। ये गले को हमें उल्टे की तरफ ही बैठाना है। ये हमारा उल्टे की तरफ इस तरीके से बैठ जाएगा। दोनों खुटके हमें इस तरीके से मिला लेने हैं और यहाँ पर हम सिलाई देंगे। अब इस तरफ भी सियेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से सी लिया है। अब हम इसे काटेंगे। अब यहाँ पर हम खुटके मारेंगे। अब हम इसे पलटेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसे गले को पलटी कर लिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा है, इसे हल्की हल्के हमें बाहर निकाल लेंगे ताकि ये हमारा पाइपिंग के जैसे बन जाए। इस तरीके से हमें बाहर निकाल कर और सिलाई दे देंगे। अच्छी तरह से बैठा लेंगे हम। इस कपड़े को हमें अंदर की तरफ से निकाल लिया बाहर की तरफ। यह हमारी पैपिन भी इसमें बन चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है जिसमें हम फ्रिल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं।
बंद कर दिया। यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे। यहाँ 1.5 इंची का मार्क लगाया, यहाँ लगाया, इस तरीके से हम पूरे कपड़े में 1.5 इंची का मार्क लगाकर इसे 1.5 इंची चौड़ी हम फ्रिल के लिए कपड़ा निकालेंगे। ये हमने 1.5 इंची का चौड़ी पट्टी निकाल ली है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे हम सिलाई देंगे। यह हमने इस तरीके से इसे कच्ची सिलाई मार दी है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए हमें इसे हल्की हल्की चूने देंगे। इस तरीके से हमारी चूने पड़ेगी, तो देते हैं चूने। दोस्तों हमने ये फ्रिल बना ली है। अब हम इसे गले में लगाएंगे। देखिए दोस्तों हमें गले में इसे किस तरीके से लगाना है, ये ध्यान दें आप। गले में इसे 1/2 इंची से भी कम लगाना है ताकि ये फ्रिल देखने में अच्छी लगे। इसे इस तरीके से गले के अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई देंगे। देखिए दोस्तों हमने ये डिजाइन बना लिया है। अब हम इसमें बटन लगाएंगे जिससे हमारे गले की खूबसूरती और बढ़ जाए। हम आपको बता दें कहाँ कहाँ हमारे बटन लगेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे बटन इस तरीके से लग जाएंगे ताकि हमारे गले की डिजाइन की और खूबसूरती बढ़ जाए। देखिए दोस्तों ये डिजाइन हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और आपको ये डिजाइन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से।